चिकन मीट वगैरह के, जिसके पास पैसे नहीं है जितनी महंगाई चल रही है, ठीक है। तो आई थिंक सो इंडिया को चाहिए कि बैन को खत्म कर दे, और जो IMF ने स्टेप लिया है और उन्हें इस बात पर जो है वो कहा है कि आप अपने स्टेप को बैक करो, और जो है वो एक्सपोर्ट इंडिया का ब्रांड है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी और की, बल्कि लोग IMF ने रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं दिया है, उसने रिक्वेस्ट की है बाबा जी हमारे पास गंदम भेजो, आटा भेजो, चावल दाल चीनी भेजो। इंडिया कह रहा है ना भूखा मर, बाढ़ में जा, जिधर मर्जी जा, हम पहले अपने लोगों को रचाएंगे, पहले अपने लोगों को खिलाएंगे, कुछ बच गया तो तुम्हारी थाली में भी डाल। देखो कुदरती वसाइल होने के बावजूद हम डाउन है, क्यों डाउन है, आपस में नहीं बनती, क्या खा रहे हैं, छने हुए वो जाना, वो जो अच्छी गंदम का छान है, जो गंद है, जो कचरा है, वही जनाब हमें स्ट्रीट राइट्स के अंदर मिला मिला के हमें खिलाया जा रहा है। चलो जी बड़ो पाकिस्तान और चढ़ो पाकिस्तान, क्या उनकी क्या गलती है, उनको आप भूखे रख के आप बाहर के गोरों को, अंग्रेजों को, चिट्टों को, वो चड्डी बनियान पहनने वालों को आप उनको रजा रहे हैं, आपके अपने जो हैं वो बेचारे जो है ना वो शलवार कमीज में भूखे मर, हर जगह जाते हैं बातचीत करता है, कुछ दे दिया कुछ ले दिया। इस बाबा जी ये जिसका भी फैसला है बहुत दबंग फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है। कैसे अच्छा फैसला है, जो मुल्कों के अंदर खाना नहीं है, जिन मुल्कों के अंदर ये खाना, ये चावल भेजे जाएंगे, ये आटा भेजा जाएगा, उनकी जरूरियात पूरी होंगी। देखें अगर आपके घर के कुछ अफराद खा रहे हैं और कुछ अफराद भूखे हैं, आप अपने घर का खाना उठा के दूसरों को कैसे खिलाएंगे, मुझे ये बताएं किस मुंह से खिलाएंगे। लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज है, इंसानियत, इंसानियत सबसे पहले आपके अपने लिए है, अगर आपकी इंसानियत आपके खुद पे नहीं है, आपके घर वालों पे, आपके आसपास रहने वाले, आपके मुल्क के अंदर रहने वाले, आपके शहर के अंदर रहने वाले, अगर आप उनके लिए इंसान नहीं है तो फिर बाहर के लिए लोगों के लिए कौन सी इंसानियत आप दिखाना चाहते हैं। पहले इंडिया के अंदर की जो कम्युनिटी रह गई है, जहाँ पे गुर्बत रह गई है, पहले उसको ख़त्म किया जाए, उनका ये मिशन भी यही है, यही हो सकता है कि मतलब यानी कि ताकि इसको रोक के तो अपने मुल्क के अंदर जो है ना इस चीज़ को जो है ना वो किया जाए, सस्ता किया जाए और हर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तमाम लोगों को। और यही बात अगर दूसरे मुल्क करें, अब अगर इंडिया बैन हटा देता है और वो ये कहें कि भाई अब हमने तो आपका ना चावल खरीदना है, ना आटा खरीदनी है, ना गंदम खरीदनी है, तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा। इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, ठीक है, ये बात सारी दुनिया जानती है, और अगर वो बैन कर देते हैं, अगर पूरा इंडिया ही बैन कर देते हैं तो बाबा जी उसको ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया खुद एक ब्रांड है, वो खुद एक ब्रांड है, और ब्रांड को किसी और की जो है ना ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं होती कहीं से भी, कि जी आप मुझे वो जो है ना मेरे वो करें आप, ठीक है। अब जैसे बाटा है, बाटा का अपना एक ब्रांड है, वो कहीं भी जो है ना आपको लोकल दुकानों पे बिकता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इंडिया का ब्रांड है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी और की, बल्कि लोग IMF ने रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं दिया है, उसने रिक्वेस्ट की है बाबा जी हमारे पास गंदम भेजो, आटा भेजो, चावल दाल चीनी भेजो। इंडिया कह रहा है ना भूखा मर, बाढ़ में जा, जिधर मर्जी जा, हम पहले अपने लोगों को रजाएंगे, पहले अपने लोगों को खिलाएंगे, कुछ बच गया तो तुम्हारी थाली में भी डाल देंगे। That's it all, bro. तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आता है, वो भी इंडिया से ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इम्पोर्ट करता है, लेता है, तो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को खुद ही अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। देखें जी पाकिस्तान को तो सबसे पहले चाहिए कि वो पहले रिप्रोडक्शन करे अपनी चीज़ों को, दोबारा से जो है ना वो अपने ब्रांड्स बनाए, अपने प्रोडक्ट्स बनाए, अपनी जो है ना एग्रीकल्चर को वसी करे। यहाँ पे तो बाबा जी जो अच्छी वैरायटी के आम हैं वो हमें खाने को मिलते नहीं हैं, जो असल आम है, जो नस्ली आम है, वो हमें देखने को भी मुयसर नहीं है, ठीक है। अच्छे फ्रूट्स, अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छी जो गजाई चीज़ें हैं, वो अच्छी गंदम जो है वो हमें देखने को मुयसर नहीं है, ये सारी बाहर जा रही हैं, हम क्या खा रहे हैं, छने हुए वो जाना, वो जो अच्छी गंदम का छान है, जो गंद है, जो कचरा है, वही जनाब हमें स्ट्रीट राइट्स के अंदर मिला मिला के हमें खिलाया जा रहा है। चलो जी बड़ो पाकिस्तान और चढ़ो पाकिस्तान, ये चीजें चल रही हैं। एंड पे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इंडिया के लिए, खास तौर पर कि वो बैन, जैसे कि आपने कहा कि बैन नहीं हटाना चाहिए, पहले वो अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे फिर किसी दूसरे मुल्क की बात आएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी बैकबोन होती है, आप इसके थ्रू ही अपनी जो इकोनॉमी है उसको मजीद मजबूत करते हैं। देखें जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो इंडिया की अपनी गाड़ियों की कंपनियां हैं, कहें आए हम आपको गाड़ियां खरीदें, उनकी अपनी बाइक्स आए हम आपको कहें आए और बाइक्स खरीदें हमसे, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, IMF को कहें आकर वो आपको गंदम ही चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है, आपको और कुछ नहीं चाहिए, इतना इंडियन हर चीज़ बन रही है वो लें, ठीक है। और पाकिस्तान के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग अपने आप पर गौर करें, खुद को बनाएं, खुद की चीज़ें बनाएं, उनको पब्लिक में ले के आएं, आपकी चीज़ें बाहर बिकें। IMF हमें भी कहे कि अल्लाह का नाम है हमें कुछ दे दो, ठीक है, वो तो कहता है भाई रखो अपने पास रखो हमें नहीं चाहिए, कहते नहीं नहीं लो आप ये लो थाली में डाल के हम देते हैं, वो कहते हैं परे करो, ठीक है, तो वो भी हमारे तरले करे। लेकिन ये कि पहले जो हमारे अपने लोग यार आटे के लिए मर रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए मर रहे हैं, गंदम के लिए मर रहे हैं, उनका क्या, उनका क्या कसूर है मियाँ जी, उनका क्या, उनकी क्या गलती है, उनको आप भूखे रख के आप बाहर के गोरों को, अंग्रेजों को, चिट्टों को, वो चड्डी बनियान पहनने वालों को आप उनको रजा रहे हैं, आपके अपने जो हैं वो बेचारे जो है ना वो शलवार कमीज में भूखे मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मेरा आज के सवाल ये कि अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने कुछ माह पहले जो
चावल का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया है, उससे पहले गंदम के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, फिर चीनी के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। लेकिन अब IMF रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली आप ये बैन हटा दें, अगर बैन नहीं हटाते हैं तो बाकी जो मुल्क हैं वो रिटेलिएट करेंगे आपके इस हरकत के ऊपर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली उनको बैन जो है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की, ख्वाह वो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो भारतीय है, ख्वाह वो जैपनीज है, कुछ भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, तो ये इसकी बेसिक नेसेसिटीज़ है जिनको जो है वो सबको हक है कि वो जो है वो उसको खाएं, क्योंकि गरीब आवाम के पास आटा घी दाल चावल के अलावा इसके अलावा तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है, चिकन मीट वगैरह के तो उसके पास पैसे नहीं है जितनी महंगाई चल रही है। ठीक है, तो आई थिंक सो इंडिया को चाहिए कि बैन को ख़त्म कर दे, और जो IMF ने स्टेप लिया है और उन्हें इस बात पर जो है वो कहा है कि आप अपने स्टेप को बैक करो और जो है वो एक्सपोर्ट को खोल दो, दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेप। कि मुझे अच्छा लगा कि IMF ने ये स्टेप लिया और IMF ये चाहती है, तो आज पहली दफ़ा लगा कि IMF वाकई हमारे साथ है और वो चाहती है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाए। इसके ऊपर मज़ीद मैं क्या कहूँ, बस ये कहूँगी कि ह्यूमन बींग्स की नेसेसिटीज़ को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें कि गुर्बत है, वहाँ पर पॉवर्टी नज़र आती है, इथोपिया जैसा मुल्क है, अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान की बात की तो सुनने में ये कि पाकिस्तान भी इनसे क्या करता है कि जो चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेता है, लेकिन जो इंडिया है इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ अपने इस फैसले पर अड़ा हुआ है। मतलब इंडिया काफ़ी पावरफुल हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखिए हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है, तो अगर आपके पास कुछ वक्त के लिए अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अथॉरिटी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, एक ना एक दिन उसने छिन जाना है। तो अगर आज ही इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए फिर यही पावर इनके लिए जवाल बन जाएगी। तो आई थिंक सो उन्हें इंसानियत को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि किसी कंट्री को। जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी पहले आती है, लेकिन आजकल जिस तरह का दौर है लोग ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे, नजर नहीं आ रहा, और हम उम्मीद भी यही करेंगे जितनी जल्द हो सके इंडिया इन चीज़ों के ऊपर से बैन हटाएं, क्योंकि आवाम को जरूरत है इन चीज़ों की, उन्हें खाना पीना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें बैन हटा देना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही सवालिया निशान छोड़ूंगी कि अगर इन्हीं की जगह हमारे पाकिस्तानी की जगह आपके भारतीय लोग होते, आपके जो है वो प्रोविंसेस ज्यादा है, हमारे प्रोविंसेस कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी नीड्स भी कम है, लेकिन बेसिक नीड तो नीड है। मतलब अगर हमें चावल चाहिए तो वो उतनी तादाद में नहीं चाहिए जितनी तादाद में आपको चाहिए, हमें कम चाहिए, दैट्स मीन कि आपको इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। कोई मैसेज उन पर कन्वे करना चाहें स्पेशली इंडिया के लिए कि जैसे कि IMF भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि ये ना हो कि जिन कंट्रीज का आपने बैन किया हुआ है ये सारा एक्सपोर्ट सिस्टम, वही आकर आपको कल को वो ये कह दें कि भैया अब हमें आपके चावल भी नहीं चाहिए, अब अपने पास ही रखें। देखिए मैसेज यही है कि हर मुल्क के बशिंदे को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है, अपने मुल्क से प्यार करें, और अपने मुल्क से प्यार करने के साथ साथ ये भी सोचें कि ये वही मुल्क है जो आज से 75 साल पहले हम कंबाइंड रहते थे और हम भाई बहन कंसिडर किए जाते थे, अच्छे दोस्त कंसिडर किए जाते थे, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे तालुकात रखते हैं, तो हमें एटलीस्ट उन्हीं को मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ फर्दर प्रोसीड करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को सबसे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, लगा शुक्र। मैम मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करते चले इंडिया की, तो इंडिया ने पहले कह लें कि गंदम को बैन किया, उसकी एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, फिर चीनी की एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, फिर अब जाके चावलों की एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है। अब IMF रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया से कि प्लीज आप ये जो एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया इन तीनों चीज़ों की, इसको ओपन करें और बाकी मुल्कों में ये जो गजा है इसको भेजें। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? सारी बात है, बैन हटा देने चाहिए। यहाँ पर ये हो रहा है कि हम उनसे ताल्लुकात थोड़े अच्छे बनाए, थोड़े कारोबारी लिहाज से उनसे हो, लेकिन फिर यही बात होती है शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं बात है। ठीक है, अगर हम क्लियर करने की भी कोशिश करते हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब ये रही चावलों की बात, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, इंडिया अपनी प्रोडक्शन बनाता है, अब जहाँ पर से वो आ रही है उनको भी तो प्रायोरिटी देना, उनको भी वो ये फिर हम ये कह सकते हैं वो उनको नहीं कहना चाह रहा कि हम उनसे ले रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को पीछे तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया जो है अभी डेवलपमेंट में बड़ा जबरदस्त चल रहा है। लेकिन वो बेचारे मुल्क जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता वो इनकी एक्सपोर्ट्स पर बैठा होता है, क्योंकि इंडिया में चावल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, गंदम भी प्रोड्यूस की जाती है, और उनको ये चाहिए कि इंसानियत के तौर पर उन्हें ये चीजें बैन नहीं करनी चाहिए, उन मुल्कों तक पहुंचानी चाहिए जो इसके हकदार हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब उनके 150 से अबव ममालिक जहाँ पर जाते हैं चावल, अब जाहिर बात है उनकी भी, अब देखे कमाई उनकी भी है ना, अब शाहरुख एकदम आपने रोक दिया और आप कोई वो दे भी नहीं रहे कि किस वजह से रोका, नहीं हम देख रहे हैं कोई मतलब फूड का हम इंस्पेक्शन करें, ये वो थोड़ा सा बहाने लगा के इस तरह, लेकिन आप क्लियर करें और कुछ मामला हल हो सकता है तो सारों के कारोबार खोलें, वो रुक गए हैं, वो परेशानी में आप स्टेबल हो सकते हैं, बाकी भी स्टेबल नहीं। आपने बात सही की, इनके कारोबार रुके हुए हैं और IMF ने इसी बात को लेकर रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि अगर आप उनको ये सारी चीजें नहीं भेजते हैं तो उन्होंने जो हमसे कर्जे लिए हैं वो वापस नहीं कर सकते।
हाँ बिल्कुल, अब ये देखे ना फिर वही बात होगी ना, इंडिया ने अब इंडिया को ये पता कि एक वैसे कर्जों में है, ठीक है अब उनकी सेलिंग भी ये एक मोहताज हुए हैं। अब देखे ना थोड़ा सा यहीं से ले लें कि कुछ ऐसा हम करें कि हमें किसी पर डिपेंड या मोहताज ना होना पड़े, ठीक है कि अगर हमारा कोई चीज़ रुक भी जाती है, नहीं रुकती है, हमारे हर अलग अलग ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट हैं, बातचीत है, इंटरनेशनल थोड़े मामला हल करें, कोई अपनी प्रोडक्शन करें, कोई हमारी कोई वैल्यू हो किसी चीज़ की, ताकि इस तरह के हमें इश्यूज होना या हमें रिक्वेस्ट करनी पड़े बेसिकली। पाकिस्तान भी इस चीज़ में आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान का भी नाम आया है कि पाकिस्तान को भी इंडिया जो अपने चावल वगैरह है वो एक्सपोर्ट करता है और हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमारी अपनी एग्रीकल्चर कहाँ पर गया फिर। बिल्कुल ऐसे ही, आप देखिए कुदरती वसाइल होने के बावजूद हम डाउन है, क्यों डाउन है, आपस में भाई बन रही इनकी, आप आपस की लड़ाई छोड़ें, कुछ उससे काम लें, डेवलपमेंट करें, अपने इदारे स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि जा रहे हैं ना ऐसी कोई बात करके आएं कि आप अच्छा सौदा या कोई अच्छी बात करके आए। नहीं पता इंडिया भी हर जगह जाता है, बातचीत करता है, कुछ दे दिया कुछ ले दिया, इस तरह से चला रहा है ना, आप थोड़ा सा अवेयरनेस ले लें और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें ताकि इस तरह की जो नौबत आगे ना आए, अपने कुदरती वसाइल से फायदा उठाएं एटलीस्ट, यानी कि बेच दें।